सूबे के खेल व पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन ने मधुपुर नगर परिषद सभागार में कोरोना को लेकर अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, चिकित्सा पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि कोरोना ने उनके पिता को उनसे छीन लिया। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति कोरोना के कारण यतीम हो। उन्होंने कहा कि मधुपुर के सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन व अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने निजी अस्पतालों पर भी निशाना साधा और कहा कि इन अस्पतालों ने बीमारी को पेशा बना लिया है। हम लोग सबसे पहले मधुपुर रेफरल हॉस्पिटल को किस तरह अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकें यहाँ के जनता को, नागरिक को, उसके लिए हम लोग बैठक किए और हम लोग बहुत जल्द 50 बेड ऑक्सीजन सहित व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने अपना विधायक फंड से एक एम्बुलेंस और एक सब वाहन अभी देने का घोषणा किए हैं और बहुत जल्दी मधुपुर में आ जाएगा। और जो भी सुविधा है मधुपुर के लिए हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं। डीसी साहब भी यहाँ हैं साथ में और एक बाहर की संस्था से भी बात हुई है, तो हम लोग कोई कमी नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, मधुपुर का जनता से यह कहना चाहते हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम अगर आपका तबीयत खराब हो तो पहले आप रेफरल हॉस्पिटल आएँ, वहाँ से जब आपका नहीं होगा तब आप दूसरा जगह जाएं। कोविड को लेकर अभी वैक्सीनेशन होना है पूरे जन मधुपुर विधानसभा के साथ साथ अपने जिले वासी को और राज्यवासी को करें कि वैक्सीनेशन में सब सहयोग करें। सब इसका रोकने का एक ही इलाज है, टीकाकरण। टीका सब लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं और सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकलें, जितना कम हो उतना बाहर निकलें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।